पिछले 45 दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर चले आ रहे एसटी कामगारों राज्यव्यापी आंदोलनों को राष्ट्रीय समर्पण पार्टी ने जाहिर समर्थन घोषित करने से आंदोलनकारियों में उत्साह का वातावरण देखा गया। 19 दिसंबर को राष्ट्रीय समर्पण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत सिंह ठाकुर और जिला अध्यक्ष सोनू बरैया और राष्ट्रीय समर्पण पार्टी के सावनेर तालुका और शहर अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने एसटी डिपो सावनेर के गेट पर चल रहे आंदोलन स्थल पर भेंट देकर आंदोलनकारियों से बात की और उनकी इस लड़ाई में राष्ट्रीय समर्पण पार्टी उनके साथ होने का एहसास दिलाया, जिससे आंदोलनकारी एसटी कामगारों में हर्ष का वातावरण नजर आया। इस अवसर पर राष्ट्रीय समर्पण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार और विरोधी पार्टी भाजपा ये दोनों को नागनाथ और सांपनाथ करार देते हुए कहा कि राज्य सरकार एक ओर कहती है कि राज्य के कोषागार में पैसा ना होने की बात कहती है, तो दूसरी ओर विधायकों को कार खरीदने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक की निधि उपलब्ध कराकर राज्य के कोष का नाजायज उपयोग करने की मंजूरी देती है, लेकिन रात दिन महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र तक अपनी सेवाएं दे रहे एसटी कामगारों का हक उन्हें देने में नाकानी कर रही है। एसटी कामगारों को उचित मेहनताना मिलना उनका हक है और एसटी महामंडल को बर्खास्त कर एसटी विभाग को राज्य सरकार का हिस्सा बनाने में इन्हें क्या दिक्कत है। राज्य सरकार के इस अड़ियल रवैये की कीमत आज ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है और उन्हें निजी वाहन में प्रवास और मनमाने पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। एसटी कामगारों के इस राज्यव्यापी आंदोलन को हमारे राष्ट्रीय समर्पण पार्टी के समर्थन के पत्र हमारे पदाधिकारी जाकर उन्हें सौंपकर उनकी लड़ाई में तन मन धन से साथ होने की बात इस अवसर पर कही। इस अवसर पर सामने एसटी डिपो के पुरुषोत्तम ढोबले, प्रफुल्ल मटके, अमीन सैयद, अश्विन पानोरे, देवेंद्र पाटमासे, सचिन बरैया, संजय टेकाड़े, खुशाल चवारे, नीलेश थोंडे, जावेद शेख, भूषण लाखे आदि के साथ सभी आंदोलनकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। हमारे एसटी कामगार भाई और पूरे महाराष्ट्र में हमारे एसटी कामगार भाई लगभग 45 दिनों से अधिक समय से आज उपोषण पे बैठे हैं। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, उनके परिवार को अच्छी स्वास्थ्य मिलना चाहिए और उनको समय पर पगार मिलना चाहिए। इसके लिए वह एसटी कामगार मंडल को विलीनीकरण करने के लिए आज कई दिनों से 2 महीने 48 दिनों से उपोषण पर बैठे हैं, लेकिन यह राज्य शासन, यहाँ की सरकार इनके मांगों पर ध्यान न देके कामगारों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। आज जो हमारे एसटी भाई है, लोगों को अपने जगह पहुँचाने का काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन में मेहनत करते हैं, रात भर मेहनत करते हैं और आने का घर पर कोई समय नहीं है। बच्चों से नहीं मिल पाते, माँ बाप से नहीं मिल पाते और काम लगातार करते रहते हैं, लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है, पगार की बारी आती है, तो 6-6 महीने पगार नहीं मिलता। ऐसी अवस्था एसटी कामगार महामंडल की है। इसलिए हमारे भाइयों ने सरकार से मांग की है कि भाई हमारे जो एसटी कामगार महामंडल है, इसका बिलीकरण सरकार में किया जाए, जिससे हमें समय पर पगार तो मिल सके। और इनका पगार इतना कम है, इतना काम पगार इनका कम है कि एक जो मिस्त्री काम करता है उससे भी कम पगार इनका है। सामनेर से BCN न्यूज़ के लिए किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।